प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर में हैं, कांग्रेस वॉर रूम में बैठक लेंगे और मंत्रियों और प्रमुख विधायकों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर में है जहां कांग्रेस वॉर रूम में बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें समय समय पर मंत्रियों से और प्रमुख विधायकों से मिल रहे हैं रंधावा और फीडबैक ले रहे हैं तमाम योजनाओं को लेकर के, कांग्रेस के मिशन रिपीट को लेकर के चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। और आज भी ऐसी कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है जहाँ प्रमुख मंत्रियों और विधायकों से फीडबैक लेंगे। आपको बता दें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कुछ ही दिन पहले सह प्रभारी भी नियुक्त किए थे जो अलग अलग जिलों में जाकर के देख रहे हैं किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है। इसी के चलते प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर में कांग्रेस वॉर रूम में बैठक लेंगे जहां कांग्रेस के आला अधिकारी और मंत्री और विधायकों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की रणनीति के तहत आगे काम किया जा रहा है, किस तरह से मिशन रिपीट को लेकर कांग्रेस काम कर रही है, किस तरह का फीडबैक आ रहा है। आपको बता दें प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा एक्टिव मोड में रहते हैं और उन्होंने कुछ सह प्रभारी भी नियुक्त किए जो अलग अलग जिलों में जाकर के कांग्रेस के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, आगामी चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने की कि किस क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य है जो हो रहे हैं, किस तरह का फीडबैक आ रहा है। आज भी कांग्रेस वॉर रूम में इस तरह की एक बैठक होने जा रही है जिसकी अध्यक्षता करेंगे प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। कांग्रेस के तमाम आला अधिकारी तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे और प्रदेश प्रभारी इन विधायकों से इन मंत्रियों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का फीडबैक आ रहा है, विभिन्न जिलों में विभिन्न संभागों में किस तरह का काम किया जा रहा है, क्या है फीडबैक, उन सबको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ गए हमारे सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ में। लोकेश, क्या है अपडेट मीटिंग्स के बारे में? देखिए बिल्कुल, बात करें तो कांग्रेस अब चुनावी मोड में आ चुकी है और चुनावी तैयारियां कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। सरकार किस तरह से रिपीट की जाए इस पर मुख्य रूप से कांग्रेस की ओर से जोर दिया जा रहा है और इसी के तहत लगातार बीते दिनों देखने को मिला कि जो सह प्रभारी है वो अपने अपने जो जिलों का दौरा कर रहे थे, जिन जिलों की इनको जिम्मेदारी दी गई थी उन जिलों में किस तरह से कांग्रेस की स्थिति और कौन विधायक मजबूत है कौन कमजोर, और साथ साथ जहां कांग्रेस ने पिछली बार हार का मुंह देखना पड़ा था वहां किस तरह से कांग्रेस को जिताया जाए, इसको लेकर जो सह प्रभारियों ने प्रदेश के सभी जिलों के अंदर जाकर वहां के कार्यकर्ताओं विधायकों और कांग्रेस नेताओं और प्रत्याशियों के साथ में बातचीत की और फीडबैक लिया और उसी फीडबैक लेकर कांग्रेस की ओर से पार्टी की ओर से आलाकमान की ओर से रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसके संबंध में आज प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के सभी प्रभारी कांग्रेस के तमाम नेता इस बार काफी एक्टिव मोड में है और जो है बिल्कुल बूथ स्तर तक तैयारियां की जा रही हैं, अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं, किस तरह का फायदा मिल सकता है कांग्रेस को आगामी चुनावों में इस रणनीति के तहत? बिल्कुल, बात करें तो पहले कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ यात्रा निकाली गई, बूथ स्तर पर निकाली गई और उसके बाद में राहुल गांधी का संदेश लेकर जो करीब दो महीने जो यात्रा निकाली गई प्रदेश में बूथ स्तर पर गए गए और महंगाई राहत कैंप लगाए गए हैं। कल जो मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें भी इन योजनाओं को किस तरह से धरातल पर ले जाया जाए इसको लेकर भी और चर्चा की गई, सरकार को रिपीट किस तरह से किया जाए क्योंकि महत्वपूर्ण जो मुद्दा अब कांग्रेस के सामने है वो उसकी लगातार जो पहले से जो एक घटनाक्रम चल रहा है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो उस जो लगातार जो प्रणाली चली आ रही है इसको किस तरह से तोड़ा जाए और कांग्रेस को फिर से सरकार में किस तरह से लाया जाए इसको लेकर महत्वपूर्ण जो बातचीत है वो कल मंत्रिमंडल और कैबिनेट की बैठक में की गई और आज एक बार फिर से जो सह प्रभारी सुखजिंदर रंधावा प्रदेश के सभी मंत्रियों विधायकों से मिलेंगे और फीडबैक लेंगे, साथ साथ सह प्रभारियों से किस तरह का जो रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर भी उनकी चर्चा करेंगे। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी लोकेश ओला जिन्होंने बताया कि विभिन्न कार्यों को लेकर रणनीतियों को लेकर फीडबैक लिया जाएगा, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी किस तरह से काम कर रहे हैं कांग्रेस के प्रभारी और सह प्रभारी, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और जिन जिलों में और संभागों में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनावी सालों में अच्छा नहीं रहा है वहाँ पर फोकस किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के मिशन रिपीट को लेकर के काम किया जाए।